निराशा के साथ बोल रहे आगे, आशा मिल जाएगी। पोपट हो गया अपने साथ, इतना गंदा वाला पोपट हो गया, यू नो। मैं सोचना चाह रहा था कि आज मैं थोड़ा आपके साथ करूंगा प्रैंक, बट अपने साथ प्रैंक हो गया पोपट। वहां से खाली बस कट रहा है, बहुत लंबा लंबा कट रहा है दोस्तों। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर एंड फिश ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। सो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रिंस ऑफ द व्लॉग्स में। सो गाइज देखते देखते ये रमजान भी गुजर जा रहा है, और गाइज आज हम जहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं वो आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में FS सलून। जी हाँ, ये रहे फैज भाई अपने बाल को संवारते हुए बड़े दिनों बाद, और ये उनके शिष्य और भाई को भी देखा होगा आपने हमारे मिनी ब्लॉग में। तो गाइस चलिए आज का दिन नहीं, आज हम लोग ये ब्लॉग थोड़ा लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे कुछ काम था आज, तो हमारे पास टाइम मिला नहीं। तो चलिए आज विराट कोहली वाला कटिंग कटाते हैं पूरा एकदम फैज भाई के हाथों से, और आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लगता है। तो चलिए गाइस आज का दिन शुरू करते हैं, एंड बी विद अस एंड एंजॉय दिस। सो दोस्तों देखिए इनसे आरंभ हो चुका है, मिस्टर 100 के से कटवा रहे हैं। कटवाना तो लगा ही रहता है लाइफ में, बट यहाँ पर भी ईद की तैयारी हो रही है पूरा। भाई का स्मार्ट बन के निकलेंगे, आरंभ भाई से हुआ है। हम लोग बैठे हुए लाइन में, अभी एसी का पूरा माहौल का मजा लेते हुए। सो दोस्तों हेयर इट इज बिफोर एंड आफ्टर, लग रहा है ना पूरा कोहली वाला है। नहीं मजाक से हट के भैया, कैसा लग रहा है दोस्तों ये बताइए। ये क्लोज रहा सर, ठीक जूम ज्यादा करने से फिर थम्स अप। एंड कहाँ है फैज भाई, आप इधर आइए। और दोस्तों ये रहे फैज भाई, इनका कला है जिन्होंने काटा है, मिस्टर 100 के का भी काटा, उसका चेहरा हम लोग दिखा नहीं सकते तो दोस्तों फैज भाई का दुकान तो आप लोगों को पता ही है फैज भाई। सो दोस्तों वेलकम बैक टू द ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, कल रात से हो गई है सुबह, और गाइज ये है मेरा 200 ब्लॉग। जी हाँ, मेरे YouTube चैनल का नंबर 200 वीडियो। जी हाँ दोस्तों, बहुत खुशी है मेरे चेहरे पे, और एनर्जी पूरी भरी हुई है वो आपको दिखती होगी। जी हाँ, तो चलिए गाइज मैं इस 200 वीडियो, यू नो नंबर 200 यूट्यूब वीडियो को मैं कैसे सेलिब्रेट करता हूँ वो आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों बहुत मजा आएगा, यू नो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। और कैसा ये 200 का वीडियो का सेलिब्रेशन होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ गाइज। बी विद अस एंड एंजॉय दिस ब्लॉग। तो दोस्तों वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सो दोस्तों अभी हम लोग आए थे अपने 200 यू नो वीडियोस का सेलिब्रेट करने के लिए। गाइस बेसिकली हम लोग आए थे राजा बाजार यहाँ कुछ सामान लेने के लिए, और अपना काम ही अपना सेलिब्रेशन है दोस्तों, मतलब अपने काम से रिलेटेड हम आए थे। तो आई थॉट कि यही वीडियो बना लेंगे, ब्लॉग बना लेंगे। तो उसका पोपट हो गया अपने साथ, इतना गंदा वाला पोपट हो गया, यू नो। मैंने सोचा था कि आज मैं थोड़ा आपके साथ करूँगा प्रैंक, बट अपने साथ प्रैंक हो गया पोपट। पूरा का पूरा दुकान बंद है भाई, पूरा का पूरा राजा बाजार बंद है, सब दुकान बंद है भाई। आज बहुत गंदा वाला पोपट हो गया अपने साथ, क्या बताऊँ। ठीक है कोई बात नहीं, फेस को नीचे करते हुए नहीं, फेस को अप करते हुए चलते अपने घर के साइड, और अब जो सेलिब्रेट कर सकते हैं जो यू नो 200 वीडियोज़ का वो घर में करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे घर में। Be with us and enjoy this vlog. तो गाइज वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सो गाइज अभी इस प्लानेट में हम लोग आ चुके हैं अपने कुछ काम के लिए, बट आज किस्मत ऐसा है कि यहाँ भी वो काम नहीं हो पाया। आज है वो शॉप बंद जहाँ से हमें कुछ सामान लेना था, मतलब आज सुबह से खाली बस कट रहा है, बहुत लंबा लंबा कट रहा है दोस्तों। बट कोई नहीं, वी आर इन्जॉइंग दिस डे बिकॉज इट्स आर 200 ब्लॉग ऑन यूट्यूब गाइज। तो बस भीड़ का मज़ा लेते हुए निकल रहे हैं, और सुबह से खाली कट रहा है, और टाइम अभी बाकी है कम, और हम लोग को पहुँचना है घर, अफ्तारी का वक्त हो रहा है। चलिए मिलते हैं आपसे घर में जाकर के दोस्तों। वेलकम बैक टू द ब्लॉग, घर पहुंच चुके हैं दोस्तों। देखिए हमारे हाथ में क्या है, हलीम। भाइयों काम तो अपना हुआ नहीं, तो आई थॉट चलो कुछ तो ले ले, तो ये हलीम हमने ले लिया है। ये ऐसा लगे कि गए कुछ काम नहीं हो, भैया हम लोग राजा बाजार से हलीम लेके आ रहे हैं। ऐसे लिया यहीं से है, बताइएगा मत। तो दोस्तों घर पहुँच चुके हैं, और अफ्तारी का वक्त अब हो चला है। तो दोस्तों हम लोग अभी बैठ चुके हैं अभी अफ्तारी के दस्तरखान पे, माशाल्लाह है। मम्मी पता आज क्या हुआ, आज हम जब इस प्लैनेट गए ना, अरे रुको ना एक बात है, मम्मी आज इस प्लैनेट गए ना हम, तो इतना भीड़ के क्या बताएं। फिर हम बोला भाई अभी तो मेरा सिर्फ 1400 सब्सक्राइबर है, जब लाख सब्सक्राइबर होगा तब ना भीड़ लगाएगा क्या।
सही बात है। मोए मोए क्या बात है। बोले 1400 में इतना भीड़ लगाने का है। लाख सब्सक्राइबर हो जाए तो मजा भी आए। बट कोई नहीं दोस्तों, प्यार बनाए रखिए। अच्छा लगा हमको मिलके। जोक सपाट। तो दोस्तों ये रमजान कैसा गुजर रहा है आप लोगों का बताइए जरूर कमेंट में। माशाल्लाह आई होप सबका रमजान अच्छा गुजरता होगा, यू नो, क्योंकि कभी कम कभी ज्यादा इसी में यही जिंदगी का नाम है। कभी गम कभी खुशी, बस चलते रहिए और रमजान के सदके हम सभी के जिंदगी में खुशियां आते रहे दोस्तों। तो बस अब इफ्तारी करके मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से, और बहुत अच्छा लग रहा है ये रमजान सीरीज आप लोगों को, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, हमको बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। खैर आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। ये अंगूर भी खा सकते हैं आप दोस्तों, और सच में बहुत मतलब लोग जो आप लोग से लगाव फील होता है मुझे इस रमज़ान के ब्लॉग के थ्रू, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों सच में। बस अपना प्यार बनाए रखिएगा रमज़ान के बाद भी और हमेशा। चलिए अफ्तारी कर लेते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। वेलकम बैक टू द ब्लॉग। अभी हम लोग हैं अपने एरिया में और एरिया का मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने साथ रमज़ान की रातों में। मॉल देख लीजिए क्या भीड़ है। ये है पूरा गार्डन रिच की आवाम और गार्डन रिच की भीड़, रौनक लगी हुई है। भाई को लेना है चप्पल, क्या लेना है भाई? चप्पल लेना है, जूता लेना है। देखिए जूते की तलाश में दो तीन स्टोर देख चुके हम लोगों को मिला नहीं अभी तक का। अभी जा रहे हैं चौथा स्टोर में, मिलता है कि नहीं, बस बने रहिए इस अचंबा के साथ दोस्तों। बस मिल जाए तो फिर देखते हैं। चलिए आगे आपसे मिलते हैं दोस्तों आगे स्टोर में। और भीड़ देखिए, भीड़ देखिए, देखिए ये माहौल है हम लोगों के एरिया का। दोस्तों क्या हुआ, पैसा साहब मिल गया जूता 500 में, डिजाइनर ब्रांडेड जूता मिला कि नहीं मिला भाई बताओ? बहुत ही दुख भरी दास्ता है, बताना पड़ा यार। लेकिन नहीं मिला भैया, क्या बताए, इतना भीड़, इतना ऑडियंस, इतना दुकान, लेकिन मिला नहीं भाई। और अब इसी निराशा के साथ बोल रहे आगे, आशा मिल जाएगी। नहीं चाहिए वैसे, नहीं चाहिए वैसे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैरिड है समझे, और हम लोग सिंगल बहुत खुश हैं। और 100 के देखिए आगे जा रहे हैं भैया, जल्दी जल्दी 100 के कराओ। 100 के मिस्टर 100 के आदिल देख ले वो नहीं देखेगा भाई, वो 100 के बाद ही देखेगा। तो दोस्तों जल्दी से 100 के करवाइए और हम लोग फेस रिवील करेंगे उसका। और फेस रिवील जिस दिन करेंगे उस दिन पार्टी होगी, भयंकर पार्टी होगी दोस्तों, भयंकर। गाइस ठीक है, बी विद अस एंड एंजॉय दिस ब्लॉग। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। क्या था बोलिएगा? अल्लाह हाफिज। गाइज वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और गाइज अभी हम लोग खड़े हुए अपने जिगरी दोस्तों के साथ जिन्होंने बहुत मेहनत किया है हमारे पीछे बचपन से, और इतने शरीफ है ना दोस्तों के मुंह से सिर्फ कलमा निकलता है, और उनकी जो स्मार्टनेस इतनी ज़्यादा है कि मत पूछिए। एक का नाम है फैज़, एक का नाम है पुड़ी, जिशान प्यार से बोलते हैं, एक है शुएब, तो प्यार से बोलते हैं बट आप लोग मत बोलिएगा, और एक हमारे आशिक भाई, और आशिक को प्यार से क्या बोलते हैं अमीराबाद में, क्या ही बोलेगा अब बाद में। तो दोस्तों चलिए, कैसे हो दोस्तों? देखिए वाह, कैसे हैं, क्या बोलना चाहिएगा ऑडियंस से सब लोग? ओ माय गॉड सो मच इंग्लिश। आशिक भाई आज हम लोग क्या बताएंगे? आज आशिक भाई बताएंगे, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, थोड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो भाई कहेंगे अपना राइट कंटिन्यू किया जाए। आपने जो बचपन में किया था उसके लिए बचपन में किया ना पैंट में जो आप किए थे, पूरा मजमा आ गया था आपको घर ले जाने के लिए, उसके लिए क्या बोलना चाहिए? गाइस जो मेरा ब्लॉग है जिसमें मैंने बहुत लंबा लंबा फेंका है कि बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, वो इंस्पायर्ड किससे है हम पहले उनका थोड़ा सा समझ देते। उनके पास कांच का बिल्डिंग है, ठीक है, और उनके पास टिकिया पराठा का मशीन है, गाड़ी का तो कोई बात ही नहीं, अच्छा माजा का फैक्ट्री है। तो जिशान क्या बोलना चाहिएगा इसके बारे में? कहाँ गया सब भाई? टिकिया का फैक्ट्री, बैंक्रप्ट हो गया भाई।